पानीपत की नई सब्जी मंडी में फल और सब्जी की रेहड़ी लगाने वालों से हो रही अवैध वसूली के विरोध में मांसखोर आज इकट्ठे होकर पानीपत से मिलने पहुंचे। मांसखोरों का कहना है कि पिछले काफी लंबे समय से बदमाशों द्वारा उनसे अवैध वसूली की जा रही है। अगर कोई मांसखोर उन्हें पैसे नहीं देता तो बदमाश उनके साथ मारपीट कर देते हैं और उनका सामान उठाकर वहां से फेंक देते हैं। बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर सभी मांसखोरों ने मिलकर पानीपत एसपी को शिकायत दे दी और अवैध वसूली बंद कराने की मांग की है। मांसखोरों के प्रधान सुल्तान सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि हम काफी दिनों से परेशान हैं, लेकिन हमारी स्पीड को सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं इसको लेकर छोटे दुकानदार रेड़ी वाले डर के मारे चुपचाप रहते हैं, जिसकी वजह से वह शिकायत भी नहीं कर पाते। लेकिन अब अवैध वसूली इतने जोरों शोरों से हो गई है कि हमें काम करने की भी दिक्कत आ रही है, जिसके कारण आज हम एसपी को अपना दुखड़ा सुनाने के लिए सचिवालय पहुंचे हैं। वहीं सब्जी मंडी में आलू पूरी लगाने वाला अनुज का कहना है कि अवैध वसूली के चलते काम धंधा करना मुश्किल हो गया है। हर रोज हमसे अवैध वसूली के लिए प्रेशर डाला जाता है, हमें इससे कौन निजात दिलाएगा। वहीं छोटे मांसखोरों रेड़ी व फल विक्रेताओं ने इसको लेकर रोष प्रकट किया। जी रेड़ी पे आए थे मेरे पास, बोले पैसे दो, अंदर रेड़ी बाहर कर देंगे आपकी। दो लड़के भेज रखे थे जी। मारपिटाई तो की नहीं, पर धमकी दे रहे थे। पहले भी इस तरीके का वाक्य होता रहा? हाँ जी, पैसे पहले भी लिए मेरे से। पहले भी आपने? हाँ जी। कितने लोग हैं इस तरीके से? दो लड़के आते हैं जी वहाँ से। तो कभी कंप्लेंट वगैरह नहीं करी उनकी? जी कंप्लेंट सर हमने। उनकी कंप्लेंट वगैरह नहीं जी? कंप्लेंट नहीं। क्यों नहीं करी कंप्लेंट? मैं अकेला कैसे कर दे, सारे जो इकट्ठे होते थे। क्या नाम है जी? नाम सुल्तान है जी मेरा। हाँ जी, मैं मांसखोरा प्रधान हूँ जी। क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत सर वहाँ पे बात ये है जी, वहाँ पे हमारे मांसखोर भाई बहुत दिक्कत में है, उनका बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि बाहर के बंदे आते हैं उनके साथ, मतलब मंथली ले जाते हैं 300 रुपये महीना, जो चाय वालों से लेते हैं 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये। अगर उनको नहीं देते हैं तो उनको मार पीटते हैं, धमकी देते हैं, तो उनका सामान रेडिया पलट देते हैं। ठीक है सर, और इसलिए हम इस सिलसिले में आए हुए हैं। और जी हमारे साथ ये भाई है जिसके कल को धमकी दी थी उन्होंने, ये भाई साहब हमारे। हम न्यू सब्जी मंडी जो अनाज मंडी के सामने वहाँ से आए जी, वहाँ पर अवैध वसूली होती है रोज, महीने के अंदर 300-300 रुपये इकट्ठे किए जाते हैं, और वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना कोई पंखे की सुविधा है जी। हम उसी सिलसिले के यहाँ पे एसपी साहब के आए हैं अपनी रिक्वेस्ट रखने के लिए। परसों हमने अपना विज्ञापन भी दिया था प्रेस में, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हम आज यहाँ पर इकट्ठे होकर आए हैं, अपनी बात रखेंगे एसपी साहब के यहाँ पे, कि मंडी के अंदर अवैध वसूली जो खोखे वालों से, जो अपने चाय पानी वालों है, जैसे मांसाखोर या सब्जी विक्रेता है जैसे, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। कौन अवैध वसूली कर रहा है, कुछ बताएंगे? ये 137 नंबर से आते हैं जी, और कपिल है उनका जो नाम है, जो दो लड़के आते हैं वो भेजते हैं और मारपीट वगैरह भी करवाते हैं उनसे, जैसे कोई पैसे नहीं देने से इनकार करे उनको धमकी देके जाते हैं, भैया अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा सामान बाहर फेंक देंगे, ये है वो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। आप लोग क्या काम है? हम सब्जी मांसाखोरी है जी, सब्जी बेचते हैं वहाँ पे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।